नमस्कार, योग अभ्यास की 45 मिनट की श्रृंखला की आज इस 16वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में जो अभ्यास कराए जाएंगे वह कुछ कठिन हो सकते हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इनके अभ्यास से आपकी सभी मांसपेशियां और पूरा शरीर ही ऊर्जावान बनेगा और क्रियाशील बनेगा। और अंत में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसमें एक नया अभ्यास जोड़ा जाएगा सांसों के अभ्यासों में, जिसका नाम है उज्जायी। तो अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ और गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर पीठ गर्दन को सीधा करके बैठने के बाद आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। पीठ और गर्दन एक सीध में रहेगी, चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। मेरे साथ तीन बार ओम का उच्चारण, शांति शब्द और प्रार्थना। सांस भरिए। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथों को आपस में रख देंगे, आंखों पर रखेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अभी अपने दाएं घुटने को मोड़कर दाएं पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे और दाएं पैर के तलवे के ऊपर बाएं हथेली को स्पर्श करेंगे, फिर वापस ले आएंगे। और अभी बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, दाएं हथेली को स्पर्श करेंगे और नीचे ले आएंगे। इसको एक फ्लो में करते रहेंगे। पूरा ऊपर उठाएंगे घुटना मोड़कर, जितना हो सके पैर पूरा ऊपर आ जाए। सांसें आराम से चलें, पूरा खिंचाव नितंब पे, जंघा पे और ऊपर लेकर आएंगे। थर्टी, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो तीन लंबे सांस भरेंगे और पैरों में लगभग 4 से 5 उंगलियों का फासला देकर अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अभी कोहनियों को सीधा रखते हुए लंबा सांस भरेंगे। सांस भरते रहेंगे, दोनों हाथों को बगल से ऊपर ले जाएंगे, एड़ियां ऊपर उठाएंगे और गर्दन ऊपर। अभी सांस बाहर छोड़ेंगे, गर्दन सीधी आ जाए, हाथ और एड़ियां वापस नीचे ले आएंगे। अभी सांस भरेंगे, बगल से हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा आगे झुका देंगे। पादहस्तासन की स्थिति में
सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़कर हाथों को नीचे ले आएंगे। अभी सांस भरेंगे दोनों हाथ, एड़ियां गर्दन ऊपर की तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी, हाथ और एड़ियां नीचे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे, हाथों से पैरों को स्पर्श करेंगे। फिर लंबा सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और बगल से नीचे ले आएंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, हाथ नीचे और गर्दन सीधी। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएं। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, सांस छोड़ते हुए बगल से हाथ नीचे। ये दो व्यायामों को जोड़कर एक व्यायाम बनाया गया है। इस प्रकार से दोनों व्यायामों को एक एक बार करके एक गिनेंगे और ऐसे 6 बार और करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, एड़ियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और पीठ को पूरा आगे झुका देंगे। लंबा सांस भर के हाथ ऊपर, बगल से हाथ नीचे। यह एक हो गया, करते रहेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छह। लंबे सांस भरेंगे, अभी अगला अभ्यास करेंगे। इसमें भी दो अभ्यासों को जोड़कर अभ्यास किया जाएगा और उसे एक गिनेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे और सांस छोड़कर अपने दाईं ओर चले जाएंगे नीचे। सांस भर के ऊपर उठेंगे, सांस छोड़कर बाईं ओर चले जाएंगे। अभी सांस भर के ऊपर उठेंगे, हाथों को इसी प्रकार से कंधों की सीध में रखेंगे और अभी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करेंगे, पूरा आगे झुक जाएंगे और गर्दन को बाएं हाथ पे देखेंगे ऊपर। सांस भरते हुए सीधे उठ जाएंगे, सांस छोड़कर बाएं हाथ को दाएं पैर पे स्पर्श करेंगे, गर्दन को मोड़कर दाएं हाथ को देखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। यह एक हो गया। अभी इस अभ्यास को 10 बार और करेंगे, दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री,
3 2 1 रुक जाएंगे, कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर, और अभी अगला अभ्यास करेंगे। पैरों में फासला दे देंगे कंधों से थोड़ा सा अधिक, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचकर हाथों को ऊपर ले जाएंगे और शरीर को पीछे की तरफ झुका देंगे जितना हो सके, और अभी सांस बाहर छोड़कर आगे की तरफ आएंगे, आगे झुका देंगे शरीर को और दोनों हाथों को दाएं पैर पर स्पर्श करेंगे, लंबा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और पीछे की तरफ चले जाएंगे जितना जा सके, और सांस छोड़कर आगे झुकेंगे और बाएं पैर को स्पर्श करेंगे, फिर सांस भर के जितना हो सके पीछे जाएंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार से 12 12 बार स्पर्श करेंगे। 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस आ जाएंगे। अभी कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, लगभग एक मिनट का बीच में अंतराल देंगे, इतनी देर तक लंबे सांस शरीर के अंदर जाएं और धीरे धीरे बाहर। नमस्कार, आप में से जो भी लोग हमारे साथ में योग अभ्यास कर रहे हैं हमारी वीडियोस को देखकर, आप सभी से एक अनुरोध है, योग अभ्यास करते समय और योग अभ्यास करने से पहले कुछ सावधानियों को रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ 8-10 विशेष बातें हैं जो आपके स्मरण में होनी चाहिए योग अभ्यास करते समय, जिनका आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है, जिससे आपको योग अभ्यास से लाभ हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो। तो आपके लिए वो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, समय निकाल कर उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। और अभी अगला अभ्यास करेंगे।
दोनों पैरों में फासला दे देंगे कंधों से दो गुना अधिक। अभी अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को दाएं जंघा के ऊपर रखेंगे और उसे आगे की तरफ मोड़ देंगे, घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठेंगे फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे फिर नीचे जाएंगे। 5 4 3 2 1 वापस आएंगे दूसरी तरफ। 5 4 3 2 1 दाईं ओर से 5 4 3 2 1 दूसरी तरफ 5 4 3 2 1 वापस आ जाएंगे, रुक जाएंगे कुछ, एक लंबे सांस भरेंगे दोनों पैरों में, कंधों से दो तीन उंगलियां ज्यादा फासला दे देंगे। अभी लंबा सांस भरेंगे और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देंगे, घुटनों को मोड़ते रहेंगे, आगे झुकाएंगे, पीठ को आगे झुकाकर कोहनियां मोड़कर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और गर्दन को नीचे ज़मीन पर देखेंगे। अभी सांस भर के ऊपर उठ जाएंगे, फिर सांस छोड़कर नीचे, फिर सांस भर के ऊपर, सांस छोड़कर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस आ जाएंगे। दो तीन लंबे सांस भरेंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और कमर को गोल घुमाएंगे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टी तरफ से घुमाएंगे। अब 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
फोर थ्री टू वन। अभी कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, लगभग 30 से 40 सेकंड तक। सांसों की गति को सामान्य कर देंगे और हृदय गति भी सामान्य हो जाए। और लंबे सांस भरिए, अभी अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कंधों से लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक फासला दे देंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, सांस भरते हुए शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे और अभी वापस आएंगे। सीधे दोनों हाथों को खोलकर दोनों पैरों पर स्पर्श करेंगे। अभी सामने दोनों हाथों को लेकर जाएंगे, स्पर्श करेंगे और अभी दोनों हाथों को नितंब के नीचे ले जाएंगे, दोनों पैरों के पीछे वहां जाके स्पर्श करेंगे और फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। कमर पे रखेंगे दोनों हाथ, सांस भर के पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों पे स्पर्श करेंगे, सामने रखेंगे ज़मीन पर, पीछे रखेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे दोनों हाथ कमर पर, पूरा पीछे जाएंगे। इस अभ्यास को 12 बार करेंगे। 12, 11, 10, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाएंगे, पैरों को मिला लेंगे, कुछ एक लंबे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस बाहर। अभी अगला अभ्यास करेंगे। पैरों में इतना ही फासला देकर रखेंगे, लगभग 5 से 7 उंगलियों का। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, लंबा सांस भर के सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। गर्दन सीधी रहे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अभी सांस भरते हुए दोनों एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाइए, सांस छोड़कर नीचे ले आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बगल से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, 2-3 लंबे सांस भरिए,
अभी दोनों पैरों में थोड़ा सा और फासला देकर कंधों के बराबर फासला दे देंगे। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, लंबा सांस भर के सामने से ऊपर खींचेंगे, ऊपर जाकर भरे हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे और शरीर को दाईं ओर पूरा घुमा देंगे, मोड़ देंगे। पैर के तलवे ना हिले, सांस भर के सीधे आइए, सांस छोड़कर बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। दोनों तरफ से पांच पांच बार और करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अपने स्थान पर शवासन में आ जाएंगे। हाथों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला दे देंगे। आंखें कोमलता से बंद हो जाएं, शरीर बिल्कुल ढीला। पांव के तलवों से लेकर सर की चोटी तक प्रत्येक अंग, सभी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली और हल्की होते जाएं। और लंबे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर जाए। सांसों की गति और धीमी और हल्की होते जाए। सांस भरते हुए पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे। और धीरे धीरे सांस बाहर, सारा ध्यान सांसों के ऊपर। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं घुमाइए, पैरों को मिलाएंगे, हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर पूरा शरीर खींचिए, हाथ ऊपर और पैर नीचे, दोनों पैर के पंजे अपनी तरफ बाहर, अपनी तरफ, उंगलियों को खोलकर साइड से हाथों को नीचे ले आएंगे। आंखों को बंद रखते हुए करवट लेकर अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली रहें।
कुछ एक लंबे सांस भरिए, सारा ध्यान सांसों के ऊपर, शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, मांसपेशियां शिथिल रहें। पहला अभ्यास करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती पहला चक्र 25 बार आरंभ करिए। पच्चीस बार हो जाने के बाद पेट की मांसपेशियों को, चेहरे को और सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अभी करेंगे कपाल भाती दूसरा चक्र 50 बार आरंभ करिए। पचास बार हो जाने के बाद चेहरे की मांसपेशियां और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्का, सारा ध्यान सांसों के ऊपर। कपाल भाती अंतिम चक्र करेंगे 70 बार 70 टाइम्स आरंभ करिए। सत्तर बार कपाल भाती का तीसरा चक्र हो जाने के बाद सांसों को और पेट को ढीला छोड़ देंगे, शरीर इसी प्रकार से स्थिर रहे और आंखें कोमलता से बंद रहें।
और अभी अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाकर नाक के पास मुद्रा को लेकर आएंगे, दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरते हुए अभ्यास को आरंभ कर देंगे। धीरे धीरे सांस शरीर के अंदर जाए, धीरे धीरे सांस शरीर से बाहर जाए। सारा ध्यान सांसों के ऊपर, धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। जैसे जैसे सांस शरीर से बाहर, चेहरा मस्तिष्क बिल्कुल ढीला होते जाए। हर बार यही प्रयास करेंगे, सांस पहले से और धीरे धीरे शरीर के अंदर और धीरे धीरे शरीर से बाहर जाए। और धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे बाहर। सांस भरते हुए पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे, पेट फूले, छाती फूले, कंधे फूले और नाक के आगे तक पूरा सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और गहराई के साथ सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो चक्र कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। आखिरी बार बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़कर अभ्यास को विराम देंगे और वापस आ जाएंगे। और अभी अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी। उज्जयी के अभ्यास में आपको सांस को सामान्य भरना है, सामान्य सांस को बाहर छोड़ देंगे और अब जब सांस को भरेंगे तो अपने गले को पूरा टाइट कर देंगे जिससे
सांस घर्षण होकर फेफड़ों के अंदर जाए और बढ़ते हुए सांस की ध्वनि उत्पन्न हो। जब हम गले को अपने टाइट कर देंगे तब हम सांस को भरेंगे, तो सांस रगड़ते हुए घर्षण खाते हुए वायु नली से निकलेगी, जिससे एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। एक बार पहले अभ्यास करके आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर 8 बार आप अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे पहले, छोड़ देंगे, अब गले को टाइट कर देंगे और सांस भरेंगे। और धीरे धीरे सांस बाहर। इस प्रकार से 8 बार अभ्यास करेंगे। जब अभ्यास 8 बार हो जाए तो सांसों को ढीला छोड़कर, गले को ढीला छोड़कर विराम दे देंगे और इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण, शांति शब्द और प्रार्थना। सांस भरिए, शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को आपस में रख देंगे, आंखों पर रखिए, हाथ हटाकर आंखें खोल दीजिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। अब मुलाकात होगी अगली कक्षा में नए अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।